Good morning student, welcome back to our channel Farmer's Parent. In the previous class we have discussed about the external structures of bacteria and today we are going to discuss about the internal structure of bacteria. External structure हमने glycocalyx, इसके अलावा cell wall और cell membrane discuss कर लेते हैं. Cell membrane में आपको बस एक ही point याद रखना था बेटा कि cell membrane are made up of lipoprotein as like eukaryotes organism. जैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन का बना होता है बेटा, वैसे ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो क्या चीज का बना होगा, लिपोप्रोटीन्स के ही बने होंगे. अब अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर अब हमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा बेटा, साइटोप्लाज्म. अगर मैं बात करूं कि सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही अंदर जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट होती है वो सभी के सभी क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया कि मानकर चलो ये मैंने कंसीडर किया कि क्या प्रेजेंट है, दिस वन इज साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म की बात करें बेटा तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्ट्रीमिंग होती है, साइक्लोसिस की प्रोसेस होती है. स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस का मतलब क्या है, फ्लूइड का मूवमेंट होना. फ्लूइड का क्या होना भाई, जो भी फ्लूइड्स इसमें प्रेजेंट होंगे उन फ्लूइड्स का मूवमेंट होना ही क्या कहलाता है, स्ट्रीमिंग कहलाता है या तो साइक्लोसिस कहलाता है. तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म से रिलेटेड कि यहां पर क्या होगा बेटा, साइक्लोसिस साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग अकर्स. यहां पर क्या होगा बेटा, तो साइक्लोसिस होंगे और क्या होंगे, स्ट्रीमिंग्स देखने को क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है कि जैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, गॉल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. बैक्टीरियल बॉडी में यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल बॉडी में ये टोटली क्या होगा, अब्सेंट होगा. मैं उस पॉइंट को यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आप चाहो तो अपनी नोटबुक में ऐड कर लो. क्या करना है बेटा कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, ये सभी के सभी टोटली क्या होंगे, अब्सेंट होंगे. यहाँ पर वो सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होगी. तो जो प्रेजेंट नहीं है उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे. आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए या तो आपने 11th में जब आप सेल पढ़ोगे तो सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, वहां पर फिर से रिकॉल करा दी जाएगी. फिलहाल आप अपने नोटबुक में जो मैंने पॉइंट बताए वो आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा तो अब इसमें प्रेजेंट क्या होता है, तो प्रेजेंट इसमें क्या बेटा, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मीजोसोम. तो सेकंड कॉन्सेप्ट पे मैं लेकर के आ रहा हूं बेटा, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं मीजोसोम. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर में मीजोसोम से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं आपके नीट में, या तो आप हायर एजुकेशंस की बात करो तो जीपेट में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. तो यहां पर क्या बेटा, मीजोसोम्स को हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं. अगर हम मीजोसोम की बात करें बेटा तो मीजोसोम क्या बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है. एंड इट इज एनालॉग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, वही माइटोकॉन्ड्रिया का ये क्या है, एनालॉग है. यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होगा वही फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा बेटा, मीजोसोम परफॉर्म करेगा. तो मीजोसोम्स क्या है बेटा, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, फर्स्ट पॉइंट याद हो गया. सेकंड पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये क्या है भाई, तो दिस वन इज एनालॉग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है बेटा, एनालॉग होता है. ये जो मीजोसोम है क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉग. यानी जो भी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस होंगे वो सारे फंक्शंस को ये क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे. और अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन के बेस पर मीजोसोम्स को टू कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, या तो इनके लोकेशंस वाइज हम इसको टू पार्ट में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो यहां पर मैं एक सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मीजोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी लोकेशन. मीजोसोम्स को हम क्या कर रहे हैं बेटा, मीजोसोम को हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं. और क्लासिफाइड कितने कैटेगरी में कर रहे हैं बेटा,
टू कैटेगरी में कर रहे हैं। अब टू कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, एक तो हो जाएगा सेंट्रल मीजोसोम और एक हो जाएगा पेरिफेरल। सेंट्रल यानी जो सेंटर की ओर हो, ये पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, पेरिफेरल हो जाएगा। इनके लोकेशंस वाइज और इन्हीं लोकेशंस के बेस पर हम इनके फंक्शंस को भी देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी मीजोसोम्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, या तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस भी मीजोसोम्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड करेंगे। दोनों में जो नेम होगा बेटा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर मीजोसोम्स को क्लासिफाइड किया बेटा, तो एक हमारे पास क्या है भाई, तो फर्स्ट वन इज पेरिफेरल मीजोसोम, फर्स्ट वन इज पेरिफेरल मीजोसोम एंड सेकंड वन इज सेंट्रल मीजोसोम, सेंट्रल मीजोसोम। तो दो हमने मीजोसोम्स यहाँ पे देखे बेटा, एक हमारा पेरिफेरल है और एक हम लोग क्या देख रहे हैं, सेंट्रल मीजोसोम्स देख रहे हैं। अब ये जो पेरिफेरल होगा बेटा, ये पेरिफेरल का काम क्या होगा, तो ये नियर टू क्या होगा भाई, नियर टू सेल मेम्ब्रेन कहां पर होगा, किसके नजदीक होगा, सेल मेम्ब्रेन के। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, दिस वन इज नियर टू, नियर टू सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या होगा बेटा, किसके नियर होगा, तो नियर टू डीएनए और सेंट्रल बॉडी, तो नियर टू सेंटर है ना, नियर टू सेंटर। या तो हम कह सकते हैं दिस वन इज जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, डीएनए के क्या होगा, ये नियर होगा। चलिए अगर ये सेल मेम्ब्रेन के नियर है बेटा, तो यहां पर हमें याद रखना है कि क्या प्रेजेंट होंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। और जो माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने ऑलरेडी इसको बता रखा है कि ये क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉग है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन एटीपी की फॉर्मेशंस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वही फंक्शंस यहां पर कौन करेगा, मीजोसोम्स, यानी जो एटीपी का फॉर्मेशंस होना है बैक्टीरियल बॉडी में, वो बैक्टीरियल बॉडी में कौन परफॉर्म करेगा, मीजोसोम्स परफॉर्म करेगा। तो यहां पर हमें याद रखना है नियर टू सेल मेम्ब्रेन है। सेकंड पॉइंट याद रखना है बेटा कि यह क्या होगा बेटा, तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट इन पेरिफेरल मीजोसोम। तो यहां पर मैं लिखा हूं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, एंजाइम्स और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, इसको हम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है ना। यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर ये प्रेजेंट होंगे। तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या होंगे बेटा, पेरिफेरल साइड में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सेंट्रल साइड में ऐसा कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक तो ये रेस्पिरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलुलर रेस्पिरेशंस के लिए, और सेकेंड इसका फंक्शन है बेटा, देखो यहां पर मैं पोर्शन को लिखने का, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो आपको यहां पर पॉइंट अंडरस्टूड रखना है, याद रखना है कि ये क्या करेंगे बेटा, ये रेस्पिरेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं, ये सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, सेल वॉल सेक्रीशंस के लिए भी ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो सेक्रीशंस हो रहे हैं, वो सेल वॉल सेक्रीशंस के लिए भी क्या होते हैं, ये पेरिफेरल मीजोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल वॉल सेक्रीशंस, सेल वॉल सेक्रीशंस के लिए क्या होंगे बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मैं यहां पे पॉइंट लिख दिया, सेल वॉल सेक्रीशंस कहां पर होगा, पेरिफेरल मीजोसोम्स के पास होंगे। अगर हम सेंट्रल मीजोसोम्स की बात करें, तो इसका फंक्शन क्या होगा, तो ये डीएनए की रेप्लिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए या तो डीएनए रेप्लिकेशंस। डीएनए का रेप्लिकेशंस का मतलब क्या हुआ, डीएनए का नया कॉपी बनना, दैट इज रेप्लिकेशंस। रेप्लिका बनना यानी नई कॉपीज बनना क्या कहलाता है, जीरोक्स बनना ही क्या कहलाता है, रेप्लिकेशंस कहलाता है। या तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, नया डीएनए बन देना, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो सेंट्रल मीजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, इट्स पार्टिसिपेट इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये डीएनए के रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो जाएगा बेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर, responsible for formation or replication of DNA। ये DNA की formations, DNA के replications के लिए क्या हो जाएंगे बेटा, responsible होंगे। इसके अलावा ये क्या करेगा बेटा, तो ये cell division
डिवीजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। जब डीएनए एक से दो हो जाएगा बेटा तो ऑब्वियसली कैरियोकाइनेसिस हो गई, अब यहां से सेल भी क्या होगा, डिवाइड होगा। बाइनरी फ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपको यहां पे अप्लाई करना है। बाइनरी फ्यूजन जब मैं रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियोज में, आप चाहो तो उस वीडियोज को देख सकते हो, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले ये जो अंतर के न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, सॉरी ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए जो है, ये डीएनए सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी एक से दो होगा, यानी रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पर अपना रेप्लिका बनाएगा। और रेप्लिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल मीजोसोम। ये जो सेंट्रल मीजोसोम है इसने एक से दो बनाया, जैसे ही एक से दो हो गया तो अब ये जो सेल है वो सेल भी अब दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी कि सेल डिवीजन, यानी उस सेल डिवीजन को भी प्रोसीड कौन करेगा बेटा, तो सेंट्रल मीजोसोम। तो सेकंड फंक्शन क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के लिए भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये इसको हम फंक्शन वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं या तो इनके लोकेशन वाइज। जो पेरिफेरल होगा क्या करेगा बेटा, सेल वॉल सिक्रीशन के लिए और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जबकि सेंट्रल मीजोसोम क्या होंगे, डीएनए की फॉर्मेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये पॉइंट आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है, इसमें से स्टार लगाना है। एनालॉग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोसोम क्या है बेटा, एनालॉग है माइटोकॉन्ड्रिया का। साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होती है, साइक्लोसिस होती है। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहां पर साइटोस्केलेटन एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हम अपनी बात करें यूकैरियोटिक सेल में, वहां पर एक प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम एक्टिन प्रोटीन बोलते हैं, और वही साइटोस्केलेटन का क्या करता है, काम करता है। लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, स्ट्रीमिंग खुद ब खुद होती है, साइक्लोसिस के प्रोसेस खुद होती है, और वो किस कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में। साइक्लोसिस स्ट्रीमिंग का मतलब मैंने बता दिया कि फ्लूइड का मूवमेंट होना। चलिए तो मीजोसोम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था बेटा, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं बेटा, दिस वन इज राइबोसोम, और यहां पर राइबोसोम कौन सा प्रोजेक्ट होता है, 70S। एस यहां पर क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, या तो आप 11th में पढ़ने वाले हो, या तो आपने हायर एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं अपने शेल में इसको पढ़ा होगा। तो दिस वन राइबोसोम्स, तो यहां पे मैं मेंशन कर दूं कि दिस वन इज राइबोसोम, और राइबोसोम कौन सा है भाई, तो राइबोसोम यहां पर 70S प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम्स हैं बेटा, 70S प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा, ये सर्कुलर क्या है भाई, तो जेनेटिक मटेरियल है। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा है वो कहां पर आते हैं, इस डीएनए पे आते हैं। तो दिस वन इज जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरिया के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, प्रोकैरियोटिक है, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि फॉल्स न्यूक्लियस, यानी कि वहां पर न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। न्यूक्लियस फॉल्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि वैसे न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं हो, वैसे न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो, या तो वैसे न्यूक्लियस जिसके क्रोमोसोम में हिस्टोन अब्सेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक में ये तीनों चीजें पाई जाती है, यानी फॉल्स न्यूक्लियस, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि यहां पर प्रिमिटिव यानी कि फॉल्स न्यूक्लियस, यानी ना ही यहां पर हिस्टोन प्रेजेंट होगा, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और ना ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो डीएनए है, ये नेकेड है, इसके बाहर कोई भी ऐसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। जनरली आपने सेल में पढ़ा होगा कि सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ये मेम्ब्रेन टोटली क्या है, एब्सेंट है डायरेक्ट यहां पर, और ये न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है, क्या प्रेजेंट है डायरेक्ट यहां पर, क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो दैट्स व्हाई प्रोकैरियोटिक जो सेल है, सेल को डिवाइड ही न्यूक्लियस के बेस पर किया गया था। कैरियोटिक जो है वो कैरियन वर्ड से लिया गया है, कैरियन का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, दैट इज प्रोकैरियोटिक, और यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, दैट इज यूकैरियोटिक। मैं सेल जब पढ़ाऊंगा तो सेल में बहुत अच्छे से उन चीजों को मैं डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल हम लोग आते हैं जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें बेटा, तो प्रोकैरियोटिक होने के कारण इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा बेटा वो क्या है, नेकेड है। जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई, नेकेड है, यानी कि जिसका डीएनए है वो क्या है, नेकेड है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो नेकेड है बेटा। इसके अलावा क्या याद रखना है, जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, नेकेड के अलावा क्या है भाई, हिस्टोन अब्सेंट है,
हिस्टोन क्या है बेटा, अब्सेंट है, इनके क्रोमोजोम में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट याद रखना बेटा, डबल स्टैंडर्ड है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जो यहां पर याद रखना बेटा, यहां पर क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहां पर प्रेजेंट है। और डीएनए कैसा फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। ये डीएनए कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड एज, बाकी आपको यहां पर फॉल्स न्यूक्लियस याद रखना है। फॉल्स न्यूक्लियस से आपको याद हो जाएगा कि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है और हिस्टोन एब्सेंट है। तो तीन तो आपको वहां से याद हो जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर फॉल्स न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया में। सेकंड पॉइंट मैंने बताया जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है बेटा, जो डबल स्टैंडर्ड है, नेकेड है और सर्कुलर फॉर्म में है और हिस्टोन वहां पर टोटली क्या है, एब्सेंट है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, डीएनए से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आए बेटा, तो इस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के अलावा यहां पर कुछ फूड स्टोरिंग यूनिट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फूड स्टोरिंग यूनिट प्रेजेंट होता है। और फूड स्टोरिंग में यहां पर दो तरह के यूनिट प्रेजेंट होगा, एक तो वॉल्यूटिन प्रेजेंट होगा और एक क्या प्रेजेंट होंगे, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो यहां पर अपन कंसिडर करते हैं कि यहां पर क्या प्रेजेंट है भाई, तो फूड स्टोरिंग यूनिट प्रेजेंट है ना। फूड स्टोरिंग क्या प्रेजेंट है बेटा, यूनिट प्रेजेंट है। और फूड स्टोरिंग यूनिट बैक्टीरिया में टोटल कितने हैं, दो है, एक तो ग्लाइकोजेन है, एक हमारा क्या है बेटा, ग्लाइकोजेन है। और सेकंड यहां पर क्या प्रेजेंट है भाई, वॉल्यूटिन प्रेजेंट है। यहां पर दो हमारे पास क्या है, फूड स्टोरिंग यूनिट है। अगर हम ग्लाइकोजेन की बात करें बेटा, तो ग्लाइकोजेन किसको स्टोर करेगा, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट, आपको पहले से मालूम होगा। तो ग्लाइकोजेन क्या करेगा बेटा, ये स्टोर करेगा, स्टोर कार्बोहाइड्रेट, जो भी कार्बोहाइड्रेट है बेटा, उस कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। जो भी बैक्टीरिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। आपने कंसिडर कर लिया दिस वन इज ग्लाइकोजेन, मान के चलो इसको हमने क्या कंसिडर किया कि क्या है, वॉल्यूटिन। वॉल्यूटिन बेसिकली क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए का बना होता है, सॉरी ये वॉल्यूटिन क्या चीज का बना होता है बेटा, आरएनए का बना होता है। और उस आरएनए में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, उस नाइट्रोजन और फास्फोरस को क्या करता है, वहां से आइसोलेट करता है। यानी एज अ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस सोर्स भी इसको बोला जाता है कि बैक्टीरिया में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का सोर्स क्या है, वॉल्यूटिन। और बना क्या चीज का होता है, आरएनए का बना होता है। तो यहां पर पॉइंट याद रखना है बेटा वॉल्यूटिन से रिलेटेड कि मेड अप ऑफ आरएनए क्या है भाई, फर्स्ट पार्ट क्या है, तो मेड अप ऑफ आरएनए, ये आरएनए का बना होता है बेटा। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि आरएनए का बना है, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज अ सोर्स ऑफ फॉस्फेट और नाइट्रोजन। तो ये क्या है भाई, तो ये सोर्स है बेटा, सोर्स ऑफ फॉस्फोरस या फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन फ्रॉम आरएनए। ये आरएनए और फास्फोरस को लाता कहां से है, ये सॉरी फास्फोरस और नाइट्रोजन को लाते कहां से है, तो ये आरएनए से ही लाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन है और फास्फोरस नाइट्रोजन इसको कहां से मिल जाता है, वॉल्यूटिन से मिल जाते हैं। तो दो यहां पर फूड स्टोरिंग यूनिट क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट यहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। और इसको मैंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से आपको डिस्कस किया था कि यही प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अगर बैक्टीरिया कोई एंटीबायोटिक से, यानी कोई ड्रग से या तो कोई एंटीसेप्टिक कुछ भी ऐसे एजेंट से अगर उसको हार्म हो रही है, तो उस एजेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपने अंदर एक जेनेटिक चेंजेस लाते हैं बेटा। और वो जेनेटिक चेंजेस जो लाता है बेटा, वो कौन लाता है, ये प्लाज्मिड लाते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। यानी इनके पास एक तो डीएनए सेंटर में प्रेजेंट है ही, इसके अलावा एक और यहां पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दिस वन इज नोन एज मीसोसोम। और ये बहुत सॉरी प्लाज्मिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड मीजोसोम्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, कॉम्पिटिशंस के लिए। तो अगर हम प्लाज्मिड की बात करें बेटा, तो प्लाज्मिड का फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये क्या है भाई, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। क्या है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। ये
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और है क्या भाई, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहां पर भी क्या है भाई, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यहां पर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसको रेप्लिकेशंस के लिए किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ये खुद रेप्लिकेट करता है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या है बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि खुद अपना रेप्लिका बनाता है, अपना डीएनए, अपना कॉपी खुद बनाता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और क्या है बेटा, सेल्फ रेप्लिकेटेड है। सेल्फ रेप्लिकेशन ये क्या करता है, प्रोसीड करता है। अब अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो इसके कुछ टाइप्स हैं और उसी टाइप्स के बेस पर इसके हम क्या करेंगे, फंक्शंस को क्या करेंगे, याद करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या है बेटा, प्लाज्मिड का। तो प्लाज्मिड के कुछ क्या है बेटा, टाइप्स हैं जो हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। टाइप्स की अगर बात करें बेटा, तो फर्स्ट टाइप इज एफ फैक्टर। फर्स्ट टाइप इज एफ फैक्टर, क्या है बेटा, एफ फैक्टर। एफ फैक्टर क्या है, एफ फैक्टर में भी दो तरह के फैक्टर्स हैं बेटा प्लाज्मिड में। एक है एफ प्लस यानी एफ पॉजिटिव और एक है एफ नेगेटिव फैक्टर। ये एफ पॉजिटिव यानी कि इसको हम मेल बोलते हैं बेटा, मेल बैक्टीरिया, और एफ नेगेटिव किस में पाया जाएगा, फीमेल में पाया जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एफ पॉजिटिव यानी मेल है, यानी ये डोनर होगा, और एफ नेगेटिव क्या है, रिसीवर होगा। यानी कि ये क्या करेंगे बेटा, ये डोनर इन नेचर होंगे, डोनेट करेंगे, और ये क्या होंगे, रिसिपिएंट होंगे, यानी कि क्या करेंगे भाई, रिसीव करेंगे चीजों को, क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो सुनना, अगर इसने कोई रेजिस्टेंस फैक्टर डेवलप कर लिया, इसने कुछ अलग क्वालिटी डेवलप कर ली कि जिससे वो बैक्टीरिया किल्ड नहीं हो रहा था। मैं ऑलरेडी आपको बताया हूं सेक्स और रिप्रोडक्शन में, जब मैं इसका पढ़ाया था आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन कंजुगेशन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कर देता हूं कि जैसे मान कर चलो एक बैक्टीरिया है जिसको हम डिटोल से क्या कर देते हैं, किल्ड कर देते हैं। अब एक बैक्टीरिया ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए जो डार्विन की थ्योरी थी, तो उसके लिए उसने क्या किया, अपने अंदर चेंजेस लाया, कुछ जेनेटिक्स वेरिएशन लाया, अब वो डिटोल से नहीं मरेगा, यानी डिटोल के लिए उसने क्या बना लिया, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया अपनी बॉडी। और जैसे ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, तो जैसे ही वो मेडिसिन बनाया, यानी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाया, तो ये चाहेगा कि मैं अपनी प्रजाति के सारे बैक्टीरिया को, अपने जो भी उनके सभी संबंधी जो बैक्टीरिया उनके आसपास होंगे, सभी के पास वो आर फैक्टर को देना चाहेगा। जैसे मानकर चलो कोई वैक्सीन हमने बनाई, कोई मेडिसिन बनाई, तो साइंटिस्ट अपने लिए नहीं बनाती है, पूरे एंटायर वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमंस बींग है सभी को हम क्या करते हैं, वो साइंटिस्ट देते हैं कि आप लोग खाओ तो इससे क्या हो जाएगी, चीजें ठीक हो जाएगी। तो वैसे ही बैक्टीरिया भी क्या करता है बेटा, अगर रेजिस्टेंस बनाता है तो रेजिस्टेंस को क्या करता है, डोनेट कर देता है दूसरे को। तो जो डोनेट करने वाले होते हैं वो मेल होते हैं, जो रिसीव करने वाले होते हैं वो फीमेल होते हैं। तो वही एफ फैक्टर हम लोग बोल रहे हैं, तो एफ पॉजिटिव मेल जो डोनेट करेगा और एफ नेगेटिव फीमेल जो रिसीव करेगा। तो इसके बेस पर हमने क्या किया है, प्लाज्मिड को क्लासिफाइड कर दिया, एफ फैक्टर यहां पर है। सेकंड यहां पर हम क्या क्लासिफिकेशन, आर फैक्टर। आर फैक्टर, आर इज रिप्रेजेंट देयर रेजिस्टेंस। यहां पर क्या कर रहा है बेटा, रेजिस्टेंस के लिए क्या है भाई, आर फैक्टर। बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और रेजिस्टेंस क्या करता है भाई, रेजिस्टेंस, या यहां पर लिख सकते हैं क्रिएट, बैक्टीरिया क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट ड्रग। ड्रग के अगेंस्ट क्या करता है बेटा, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ताकि इसको हार्म ना हो, बैक्टीरिया वहां पर क्या करे, उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाए। तो उसके लिए ये आर फैक्टर डेवलप करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो आर फैक्टर डेवलप भी कहां पर होता है बेटा, प्लाज्मिड में। एफ फैक्टर भी कहां पर डेवलप होता है, प्लाज्मिड में। थर्ड फंक्शन है बेटा कोल फैक्टर, थर्ड वन इज कोल फैक्टर, थर्ड वन इज कोल फैक्टर। कोल फैक्टर क्या करता है बेटा, ये यहां पर एक केमिकल सेक्रेट करता है जिसका नाम है कोलिसिन, एंड कोलिसिन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ अदर माइक्रोब्स। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं हायर एजुकेशन में पढ़ोगे फार्माकोलॉजी करके, वहां पर आपको ड्रग्स पढ़ने को मिलेगा एंटीबायोटिक्स। जब आप एमबीबीएस करोगे, बी फार्मेसी करोगे, तो आपको वहां पर एंटीबायोटिक्स ड्रग पढ़ने को मिलेगा, या तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक्स का है वो मोस्टली एंटीबायोटिक्स क्या है बेटा, नेचुरल सोर्स है, यानी हमने बैक्टीरिया से ही एक
केमिकल्स को आइसोलेट किया जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जात जात का वैरी होता है, आपने सुना होगा कहावत कि एक जात दूसरे जात का क्या होता है, दुश्मन होता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के केस में भी ऐसा होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कॉलिसिन एक केमिकल्स को अपनी बॉडी में सेक्रेट करता है, वो कॉलिसिन बनाता कौन है, यही प्लाज्मिड बनाता है। तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में भी इस कॉलिसिन को आप पढ़ोगे। यहाँ पर उस फैक्टर को प्लाज्मिड को वहां पर बहुत ही अच्छे से डिटेल में उसकी स्टडी की जाती है। अपकमिंग जब आप आओगे हायर एजुकेशन में तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा प्लाज्मिड का बहुत बड़ा रोल है। एक तो प्रोटोप्लास्ट यानी सेल वॉल जिसमें एब्सेंट होगा, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, और एक हमारा प्लाज्मिड, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी मेडिसिनल इंडस्ट्री के लिए जहां पर हम रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर कोल फैक्टर जो है बेटा, तो कोल फैक्टर क्या करता है, केमिकल सेक्रेट करता है कोलेसिन, और वो केमिकल्स अदर माइक्रोब्स को क्या करता है, किल्ड करता है, है ना। तो एज ए एंटीबायोटिक्स हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि दूसरे माइक्रोब्स को जो डिजीज हुई है उसको क्या करे, वो किल करे। तो कोल फैक्टर क्या करता है बेटा, तो यहां पर एक्चुअली होता क्या है, तो सेक्रीट करता है सेक्रीशंस ऑफ अ केमिकल्स, ये एक केमिकल्स को सेक्रीट करता है बेटा विच इज कोलेसिन। क्या है बेटा, कौन से केमिकल्स हैं, कोलेसिंस केमिकल्स हैं, और ये कोलेसिन केमिकल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ अदर माइक्रोब्स, ये अदर माइक्रोब्स को यानी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तीन पॉइंट हमें याद रखना है बेटा प्लाज्मिड से रिलेटेड, कि प्लाज्मिड क्या होगा भाई, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है, ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। एंड दिस वन इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ये अलग से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये टोटल तीन टाइप्स के होते हैं, एफ फैक्टर, आर फैक्टर एंड कोल फैक्टर। एफ फैक्टर अगर डोनर है जो डोनेट कर रहा है तो इसको एफ पॉजिटिव मेल बोलते हैं, और अगर रिसिपिएंट है रिसीव कर रहा है तो उसको एफ नेगेटिव यानी फीमेल्स कहते हैं। आर फैक्टर यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जिससे वो क्या करे, अपने आप को प्रोटेक्ट करे एडवर्स कंडीशंस में, और रेजिस्टेंस क्यों करेगा भाई, अगेंस्ट ड्रग या तो एडवर्स कंडीशंस के अगेंस्ट ये क्या करेगा, यहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। और कोल फैक्टर क्या करता है बेटा, कोलेसिन एक केमिकल सेक्रेट करता है बैक्टीरिया जो दूसरे माइक्रोब्स को किल करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने स्ट्रक्चर जो हमारा था बहुत इंपॉर्टेंट था बैक्टीरिया का, और एनसीईआरटी से कहीं ज्यादा हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। आपको एनसीईआरटी में अभी आप आओगे तो इतनी सारी चीजें दी गई नहीं है, लेकिन जब आप इसके सेल को पढ़ोगे प्रोकैरियोटिक तो वहां पर आपको कुछ कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने वो सारे टर्म्स को यहीं पे कंसीडर करके आपके लिए क्या कर दिया, बना दिया। और इवन आपके हायर एजुकेशन जो है, चाहे आप एमबीबीएस करो या बी फार्मा करो, आपको वहां पर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने को मिलेगा, या तो आप एंटीबायोटिक्स पढ़ोगे तो उसके लिए भी मैंने आपको सफिशियंट बता दिया है कि हायर एजुकेशन के भी एग्जामिनेशन में यही स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, याद रखने हैं। तो हमने यहाँ पर मीजोसोम्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, हमने सर्कुलर डीएनए के बारे में यानी जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में मैंने लिखा नहीं हूं बेटा, लेकिन मैंने आपको बता दिया स्पेस बहुत कम है बोर्ड में, इसलिए मैंने न्यूक्लियस के बारे में लिखा है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें फॉल्स न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और फॉल्स न्यूक्लियस का मीनिंग क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा, और हिस्टोन टोटली क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये तीन जिसमें एब्सेंट होते हैं वो फॉल्स न्यूक्लियस होते हैं, और ये तीन जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। फॉल्स न्यूक्लियस कहां पर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में यानी बैक्टीरिया में, और ट्रू न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एंड एनिमलिया में। जब हम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे तो उसमें ट्रू न्यूक्लियस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया बैक्टीरिया का, कंप्लीट हो गया। तो हमने नंबर ऑफ सेल कंप्लीट कर लिया यानी नेचर ऑफ सेल कंप्लीट कर लिए, टाइप ऑफ सेल कंप्लीट कर लिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का मैंने पूरा चार्ट ही आपको याद करवा दिया था। इसके अलावा